गाइस जिनके माइक्रोफोन ऑन है वो प्लीज ऑफ कर दें। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम मैम। ओके वालेकुम सलाम। अच्छा जी माइक्रोफोन अपने जो से हैं इनको आप म्यूट कर लीजिएगा। हमने शुरू करना है फोटोकंडक्टिव सेल्स। हमने देखा था क्वेश्चंस कुछ आपके आए हुए हैं लेकिन अब आज हम लेट हो गए लाइट की वजह से, तो वो हम बाद में देखते हैं, टाइम बचेगा तो फिर हम देखते हैं उसके बाद, ठीक है? फिर अदरवाइज भी किसी अगले लेक्चर में हम देख लेंगे। अच्छा आज हमने शुरू करना है जी फोटोकंडक्टिव सेल्स। क्लियर है सबको? आवाज आ रही है आपको मेरी? सिलिकॉन फोटोडायोड्स एंड फोटोडायोड्स अरे क्या होता है जी? क्रिस्टलाइन सिलिकॉन हमने कहा कि सेमीकंडक्टर है और ये मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो लेस देन द मेटल बट ग्रेटर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ये कल बात हो गई थी कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अब उसमें उसने स्पेसिफिकली लिया है सिलिकॉन को, और उसने कहा सिलिकॉन क्या है, ग्रुप 4 का मेंबर है और इसमें वैलेंस शेल में इसके जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन अ सिलिकॉन क्रिस्टल ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो कंबाइन करता है विद द 4 अदर सिलिकॉन एटम्स, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड वो बनाता है। Of these electron is combined with electron from 4 other silicon atoms to form 4 covalent bonds. At room temperature, sufficient thermal agitation occurs in this structure to liberate an octanol electron from its bonded state, leaving it free to move throughout the crystals. ठीक है जी, ये जो free electrons, ये कुछ ये bonding भी दिखाई हुई है और इसके साथ साथ ये उसने कहा कि कुछ free electrons भी हैं जो कि आपस में उनके collision की वजह से जो extra electrons electron बन जाते हैं वो silicon में ये है, just like the metal silicon जो अंसा है उसके अंदर भी ये property है कि वो free electrons को allow करती है, leaving it free to move throughout the silicon crystals. ठीक है, the thermal excitation of an electron leave behind a positively charged region termed as a hole like which like the electron is also mobile. wo kehta hai jab bhi aapko pata semi conductors mein kya hota hai, ek hota hai valence shell aur valence shell ke upar ek hota hai conduction band. kya hota hai jab usko itni energy milti hai ki electron valence shell se move on kare इधर कंडक्शन बैंड की तरफ। सपोज मैं इसके साथ आपको वो करती हूँ स्क्रीन शेयर में,
ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कहती हूँ ये वाला जो है हमारे पास ये वैलेंस शेल है, ये जौन सा है यहाँ पे हमारे पास ये कंडक्शन बैंड है, इसको मैं कहूंगी दिस इज द कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से मूव करके सेमी कंडक्टर में क्या है कि जब सपोज हम सिलिकॉन ले रहे हैं तो सिलिकॉन के केस में सिलिकॉन को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो इन दिस वे वो क्या बन जाएगा, जब उसे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और इस जगह पर एक होल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सेमी कंडक्टर में थ्रू आउट द आप कह सकते हो कि तो थर्मल एक्साइटेशन की वजह से सेमीकंडक्टर में ये होल और इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन एंड देयर बाय क्रिएटिंग अनदर पॉजिटिव होल जो है इन इट्स वे, वो रेगुलर बनते रहते हैं और होल बनता है फिर इलेक्ट्रॉन, पहले जो सा होल बना होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जाके सेट हो जाता है और एक नया होल क्रिएट करता है, तो ऑलमोस्ट वो इक्वल फॉर्म में होते हैं। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन सेमीकंडक्टर इज द सोर्स ऑफ कंडक्शन इन दीज डिवाइसेस। अब क्या होता है कंडक्टिविटी, ये इस तरह से सेमीकंडक्टर ने वर्क करना है। द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन कैन बी ग्रेटली इन्हांस्ड बाय डोपिंग। अब इसकी किस तरह से चेंज करते हैं, हम इसमें वैरायटी किस तरह से लाते हैं, इसको एफिशिएंट मोर कैसे किया जा सकता है कि हम उसके अंदर डॉपिंग कर देते हैं। डॉपिंग क्या होता है, डॉपिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम उसके साथ उसकी कॉम्बिनेशन बना देते हैं, प्रोसेस इन विच अ टाइनी कंट्रोल्ड अमाउंट, डॉपिंग क्या है टाइनी कंट्रोल्ड अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 1 ppm ऑफ अ ग्रुप 5 और अ ग्रुप 3। ग्रुप 5 में क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन होंगे और ग्रुप 3 में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, उसको हम इज डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजेनियसली थ्रू आउट इन अ सिलिकॉन क्रिस्टल, जैसे यहाँ पे गैलियम का किया हुआ है, ठीक है ना, गैलियम उसने दिया है फॉर एग्जाम्पल इन अ क्रिस्टल इज ड्रॉप्ड विद अ ग्रुप 5 एलिमेंट सच एज आर्सेनिक, 4 out of 5 ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ड्रॉप कर जाएंगे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद द 4, ये जिस तरह से इन दिस फिगर में या आर्सेनिक ने ड्रॉप किया हुआ है सिलिकॉन के साथ, तो उसके जो उनसे 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग कर लेंगे और एक जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कि उसकी जो इसको एफिशिएंट बनाने के लिए सेमीकंडक्टर को डायोड्स को हम एफिशिएंट बनाने के लिए उसका इक्वल को अनइक्वलाइज करने के लिए हम उसकी कंडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए उसमें आर्सेनिक का हमने एडिशन कर दिया, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स। व्हेन द सिलिकॉन इज डॉप्ड विद, अच्छा तो क्या होगा, विद 4 सिलिकॉन एटम्स लिविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्री टू कंडक्ट, व्हेन द सिलिकॉन के साथ जब हम सिलिकॉन को जब ड्रॉप करेंगे विद द ग्रुप 3 एलिमेंट सच एज गैलियम, ये केस है। तो अब क्या होगा, गैलियम के केस में क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उसके के मुकाबले में चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम थे सिलिकॉन को 4 चाहिए थे, तो यहाँ पे ये एक होल को इंक्रीज कर देगा सच एज गैलियम विच हैज बट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेस ऑफ होल डेवलप आल्सो इनहांसिंग द कंडक्टिविटी। अ सेमीकंडक्टर कंटेनिंग अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो सेमीकंडक्टर जहाँ पे अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लाइक दिस आर्सेनिक, ठीक है ना, आर्सेनिक वाला जो होगा जो आर्सेनिक से डॉप्ड होगा उसको हम कहेंगे दिस इज द नेगेटिवली चार्ज्ड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, दिस विल नोन एज द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एंड वन कंटेनिंग एन एक्सेस ऑफ होल लाइक जिसमें एक्सेस ऑफ होल होगा इसको हम कहेंगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड इन अ पी टाइप होल्स पी होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर। Got it? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay. अब वो कहता है अगर हम प्रेजेंट सिलिकॉन टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन डायोड को हम यहाँ देख रहे हैं, तो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल टू फैब्रिकेट व्हाट इज कॉल्ड अ पीएन जंक्शन और पीएन डायोड व्हिच इज कंडक्टिव इन वन डायरेक्शन एंड नॉट इन द अदर। कंडक्टिव होगा वन डायरेक्शन में नॉट इन द अदर। अब हमने एक ऐसा बनाना है टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन डायोड को कि जिसमें पी और एन जोन सा है वो कंबाइन करेंगे और कंडक्टिव इन वन डायरेक्शन नॉट इन द अदर इज अ स्कीमेटिक ऑफ अ सिलिकॉन डायोड। द पीएन जंक्शन इज शोड एज अ डैश लाइन थ्रू अ मिडल ऑफ द क्रिस्टल।
अगर हम नीचे चले जाएं, ये पीएन जंक्शन, ठीक है, मिडल ऑफ द करेक्टर, ये पी रीजन है जहां पे रिच इन होल्स एंड दिस इज द एन रीजन विच इज अनरिच विद द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स. Electrical wires are attached to both end of the device. और figure B shows the junction in its conduction mode. अच्छा, अब conduction mode में क्या है कि यहाँ से ये conduction. B उसने कहा है कि ये conduction mode है. जो positive region है, hole enriched है, उसको हमने positive से इसे join किया हुआ है. जो negative है, इसे forward bias कहेंगे. जो negative है, उसको negative से ही join किया हुआ है. क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो उनसे एनरिच होंगे, यहाँ से होल के साथ पास होकर ये इस तरह से करंट इसमें से फ्लो होगा. इसको पढ़ते हैं आगे से. शोज अ जंक्शन इन इट्स कंडक्शन मोड वेयर इन द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पी रीजन एंड द नेगेटिव टर्मिनल टू द एन रीजन. द डायोड इज सेट टू बी फॉरवर्ड बायस्ड अंडर दिस कंडीशन. द एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन द कहां गया, द एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन and the positive hole in the p region move towards the junction where they combine and annihilate each other. The negative terminal of the source inject new electron into the n region which continue the conduction process. theek hai na, electric field jo hai wo process chalti jayegi. The positive terminal kya karega, wo extract karta jayega electron ko p region se aur creating new holes that are free to migrate toward the pn junction. The photodiodes are the semiconductor p-n junction device that respond to incident light by forming electron hole pair. So, जब इसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा, इस junction के ऊपर, ये जहाँ पे इसका ये जो इसका depletion region होता है, इसको हम कहेंगे depletion region है. यहाँ से अगर हम इसको draw करेंगे तो depletion region के ऊपर एक window होगी. यहाँ पे जब electron इसके ऊपर आकर photon इसके ऊपर इम्पिंच करेंगे तो विंडो अलाउस द लाइट टू ये करेगी, इसको इनहांस करेगी कि सेमीकंडक्टर का जो है वो मोर एंड मोर जो है वो इलेक्ट्रॉन होल्स प्रोड्यूस हो, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो और करंट पास हो. अब इस करंट को पास करने के लिए इसके अब उसमें दोनों तरह से फॉरवर्ड बायस में भी वर्किंग हो सकती है और रिवर्स बायस में भी वर्किंग हो सकती है. ये इसकी हमने फॉरवर्ड बायस पढ़ी है. इसमें क्या होता है, द फोटोडायोड्स the photodiodes are semiconductor p-n junction device that respond to incident light by forming electron hole pair. jo current pass hoga when the voltage is applied to the p-n diode, voltage jab isko hum apply karenge the p type semiconductor is negative with respect to the n type of semiconductor. The diode is said to be reverse bias. ये इसने दिखाया कि ये इसने reverse bias में क्या positive terminal को negative से और negative को positive से हमने connect किया है. So, figure this illustrate the behavior of silicon diode under reverse bias. The majority carrier are drawn away from the junction. Majority जौन सी है वो junction से परे हो जाती है. कैसे होता है कि यहाँ पे जौन से है hole का number ज्यादा है और यहाँ पे ऑलरेडी जो आंसर है वो चूंकि पॉजिटिव है तो होल्स जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. तो इस जंक्शन पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है और होल्स माइनॉरिटी में है. इन दिस केस द इस वाले जंक्शन पे जो पी रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है और जो होल्स है वो मेजोरिटी में है. तो बेसिकली जो इसके पीछे टेक्निक है, जो इसके पीछे थोड़ा सा ट्रिकी सी चीज आती है, मैं इसको शेयर करती हूँ आपके साथ. जी ये हमारा था पी जंक्शन अगर सपोज, ठीक है, और ये था हमारा एन. तो यहाँ पे क्या है, एन पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी पे हैं और जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी में है. और इन दिस केस क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी में है और जो आपके होल्स हैं वो मेजॉरिटी में है.
ठीक है ना। अब हमने इस इधर हमने करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो होल्स है वो ग्रेटर है, जब वहां पे लाइट ऑफ इंटेंसिटी एक फोटोन पर जो है फॉल होनी है, उस इंटेंसिटी की वजह से, उस फोटोन की वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होने हैं। जब वो मोबाइल होने हैं तो मोबाइल होने के बाद उनकी जो पॉपुलेशन है वो चेंज होनी है। वो किस तरह से चेंज होनी है कि इन द पी रीजन एच इज हायर देन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, पी रीजन में। और यहाँ पे क्या है, जब इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर फोटोन पड़ा तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स चेंज हो गए, और यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गए, ठीक है ना। ई जो है वो माइनॉरिटी में है और ये मेजॉरिटी में है, और यहाँ पे इसको अगर हम करें तो टोटल कितने थे मौजूद वहां पे, सपोज पहले एच मौजूद थे और यहाँ पे पहले ई मौजूद थे, तो इन दोनों का डिफरेंस जो चेंज इन होल्स, नंबर ऑफ होल्स का जो डिफरेंस आया है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा जितना कि डेल्टा ई ओवर ई का, क्योंकि नीचे जो सा है वो डेल्टा ई जो चेंज आई, क्योंकि ये माइनर थे, थोड़ी अमाउंट में थे, तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर नॉमिनेटर जो है वो ग्रेटर है, नॉमिनेटर ग्रेटर होगा तो जो आपका डिटेक्टर है उसको डिटेक्ट करना इजी होगा, जो करंट होगा उसकी रीडिंग इजी आएगी, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा इजीली रीड आउट होगी, तो अमाउंट में उतनी जितनी डेल्टा एच की वजह से। लेकिन इसके जो चेंज है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर स्मॉल होने की वजह से डेल्टा ई को रीड आउट करना ईजी है। इन दिस केस जो है हम इसको रिवर्स मोड में, जो आपका जंक्शन है ये पीएन जंक्शन है, इसको रिवर्स मोड में हम कंसिडर करते हैं। कहाँ गया आपका शेयर करें, अच्छा फिर पढ़े इसको। डेट द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द एन टाइप सेमीकंडक्टर, द डायोड इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड। This figure illustrates the behavior of the silicon diode under reverse biasing. The majority carrier are drawn away from the junction. ठीक है ना, यहाँ पे majority positive की हो रही थी, वो भी इधर चले जाएंगे, move करेंगे, और जो यहाँ पे e electron की हो रही थी वो भी away from the junction move करेंगे. The away from the junction leaving a non-conductive depletion layer. The conductance under reverse bias is only about 10 raised to power minus 6 to 10 raised to power minus 8 of that under forwarding biasing. Under forwarding biasing में जो है जो उसमें हम 10 raised to power minus 6 to 10 raised to power minus 8 जो है वो हो जाती है उसकी value. In other words, a silicon diode conduct in one direction but not in the other and is said to be a current rectifier. Electronics bias is a device for DC voltage, sometimes called polarizing voltage, applied to a circuit element to establish a reference level for operation. Reverse biased silicon diode can serve as a radiation transducer because ultraviolet and visible photon have sufficient energy to create the additional electron and holes when they strike the depletion layer of PN junction, or the resulting increase in current measured ki ja sakti hai and is directly proportional to the radiation power jo uske upar jo iski depletion layer ke upar jo aapke paas ye depletion layer ke upar jitne photon jiski intensity ki light padegi to usko hum read out karenge as a measure of current, ठीक है। अब मैंने करंट का मेजर क्या कहा कि रिवर्स बायस में हमने चूंकि क्या करना होता है, रिवर्स बायस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्रोड्यूस होती है उसमें डेल्टा ई ओवर ई की वैल्यू जौन सी है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, इसलिए हम इसको रिवर्स फेज में रखते हैं। रिवर्स बायस सिलिकॉन डायोड कैन सर्व एज अ रेडिएशन, ये मैंने पढ़ लिया। द रिजल्टिंग इंक्रीज इन करंट कैन बी मेजर्ड एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन पावर, क्योंकि हमें इसमें जो है एब्सोल्यूट जो करंट है उसकी वैल्यू नहीं, हमें उससे हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हमारा इंटरेस्ट होता है कि चेंज इन वैल्यू जो है, चेंज इन इंटेंसिटी जो लाइट की है वो कितनी चेंज हुई है, ठीक है ना। तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये नहीं देखना, हमें डेल्टा की वैल्यू को स्टडी करना है। रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन करंट कैन बी मेजर्ड एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएट पावर। अ सिलिकॉन डायोड डिटेक्टर इज मोर सेंसिटिव देन अ सिंपल वैक्यूम फोटो ट्यूब but less sensitive than a photo
मल्टीपलर ट्यूब, क्योंकि अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एम्पलीफाई नहीं कर रहे, यहाँ पे एम्पलीफायर अलहदा से यूज हो सकता है लेकिन विद इन द डिवाइस कौन सा है, ट्रांसड्यूसर एम्पलीफायर एम्पलीफायर नहीं है। हाँ, हमने थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको रिवर्स करके अगर हमने किया तो वो हमारे पास एक सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो हम उसको रीड आउट कर सकते हैं। डायोड अरे डिटेक्टर, जो सिलिकॉन फोटो डायोड्स हैं ये इम्पोर्टेंट रिसेंटली बिकॉज, और ये कहाँ पे यूज हो रही है, ये सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी के में एज अ डिटेक्टर यूज नहीं हो रहे, आपके ये जितने भी स्विचेस हैं, आपके बार कोड्स हैं, आपके जितने कैमराज हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब में ही डायोड अरे डिटेक्टर्स यूज होते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट रिसेंटली बिकॉज 1000 और मोर कैन बी फैब्रिकेटेड साइड बाई साइड ऑन अ सिंगल स्मॉल सिलिकॉन चिप, और उसको विद अ विड्थ ऑफ अबाउट ओनली 0.02 मिलीमीटर की विड्थ के साथ हम इसको यूज करते हैं विद वन और टू ऑफ द डायोड अरे डिटेक्टर प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द फोकल प्लेन ऑफ अ मोनोक्रोमेटर। All wavelength passed can be monitored simultaneously, thus making high-speed spectroscopy possible. ठीक हो गया जी, तो आगे क्या है इसमें लिखा हुआ जी? Number of light-induced charge per unit time is large compared to thermally produced charge carrier. The current in an external circuit under reverse bias condition is directly related to the incident radiation power. Number of light induced charges per unit time is large compared to the thermally produced charge carrier. ठीक है ना, thermally produced charge carrier हमने क्या कहा था कि जब वो क्लीन करेंगे उससे जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बनेंगे, अगर उससे हमने डॉपिंग करके उसकी इस प्रॉपर्टी को इनहांस कर दिया, नंबर ऑफ लाइट इंड्यूस्ड चार्जेस पर यूनिट टाइम इज लार्ज कंपेयर टू द थर्मली प्रोड्यूस्ड चार्ज, द करंट जो होगा एक्सटर्नल सर्किट में, the current in the external circuit under reverse bias condition is directly related to the incident radiation power. Silicon diode array respond rapidly in nanosecond mein wo respond karti hai. Diode array can be obtained commercially with front end device called image intensifier ke taur pe bhi hum kaam karte hain to provide gain and allow the detection of low light levels. Theek hai, isme अच्छा ये बार कोड्स में यूज होता है, यहाँ पे स्कैनर्स में हम यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। एक और भी शायद पॉइंट है यहाँ पे कि माइनॉरिटीज की वजह से, जो माइनॉरिटी पे होता है जो करंट प्रोड्यूस होता है और जो आपके स्कैनिंग होती है अल्टीमेट हमारे पास जो सिग्नल्स आते हैं उसकी प्रोमिनेंट वो किस वजह से होते हैं, वो होते हैं आपके ये देखिएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कंट्रोल होते हैं। हम देखा था एक छोटा सा पॉइंट था बड़ा इम्पोर्टेंट। अच्छा, जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी सारी इसी फोटोडायोड के उसके ऊपर ही काम कर रही होती हैं। अच्छा, वो भी आ नहीं रहा मेरे ना, उसमें इसी में था कुछ, आप में से किसी को मिलेगा तो बता दीजिएगा कि जो हम इसको यूज करते हैं तो इसमें जो माइनर होता है ना इलेक्ट्रॉन, जिस तरह मैंने कहा कि जो पी जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन माइनर्स हैं तो करंट जो प्रोड्यूस होता है इट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर बेसिकली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था थोड़ा सा कि डेल्टा ई ओवर ई जॉन सा, बल्कि एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया हुआ था कि रिवर्स में हम क्यों यूज करते हैं, तो रिवर्स में हम इसलिए यूज करते हैं कि डेल्टा ई ओवर ई की जो वैल्यू है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है एज कम्पेयर टू द डेल्टा एच ओवर एच। ओके, अब कोई आप में से क्वेश्चन करना चाहे, कोई चीज समझ नहीं आई इसमें से तो कैम्ब्रिज का नाम बोल देते ना, कैम्ब्रिज कैम काफ ये मीन दे रहे कुछ बेटा, मुझे आवाज नहीं, ये का शीशा डालो, ये कौन कर रहा है मैम? जी जी बेटा, ऊंची थोड़ा सा बोलो, मुझे आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है। मैम हमने ये कहा है कि जो रिवर्स बायस कंडक्शन है यहाँ पे, तो वहाँ पे जो कंडक्टेंस है वो कम होती है एज कम्पेयर टू जो फॉरवर्ड बायस्ड है, तो ऐसा क्यों होता है? मैंने अभी तो आपको ये जो मैंने आपको रेशियो बताई थी ना वो इसी वजह से बताई थी कि रेशियो जोन सी है, देखिये रिवर्स में क्या होना है, ये यहाँ पे ना ये पॉजिटिव से पॉजिटिव है, ये नेगेटिव से नेगेटिव है, जितने इलेक्ट्रॉन पर यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन देता जाएगा ये कवर करता जाएगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, इसे फॉरवर्ड बायस कहेंगे। जबकि रिवर्स में हमने क्या कहा कि अब ये पॉजिटिव नेगेटिव से अटैच है, नेगेटिव जो है वो
पॉजिटिव से अटैच है, इस तरफ क्या है होल प्रोड्यूस हो रहे हैं और इस तरफ क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। जहाँ पे मैंने भी आपको बताया था कि जो पी जंक्शन है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनर अमाउंट में है, ठीक है ना, माइनर अमाउंट में ना, तो डेल्टा ई की वैल्यू जौन सी है वो, और यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू जौन सी है, जो चेंज जो आपके जब इसके ऊपर फोटोन पड़ेगा आकर उसकी इंटेंसिटी की वजह से जो होल प्रोड्यूस होगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जो चेंज आएगी यहाँ पे आपके डिप्लीशन लेयर में, उसमें से मूवमेंट ही होनी है ना, पॉजिटिव ने इधर जाना है, इलेक्ट्रॉन ने इधर मूव करना है, तो यहाँ पे एट दिस जंक्शन क्या होगा, करंट ने क्यों फ्लो होना है, एट दिस जो चेंज इन होल आना है और जो चेंज इन इलेक्ट्रॉन आना है उसकी रेशियो विद रिस्पेक्ट टू दैट, जो आपके पास पहले उसके नंबर ऑफ होल्स थे, नंबर ऑफ होल्स के नीचे अगर डिनोमिनेटर, आपको मैथमेटिक्स का रूल है कि डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो वैल्यू जो सी है वो आंसर जो है वो कम आएगा, वैल्यू उसकी नंबर स्मॉल होगा, लेकिन अगर उसका डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉल होगा, इन दिस केस अगर यहाँ से फ्लो होना है, करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो सी है वो चूंकि कम है तो डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉल होगा, तो जो चेंज इन इलेक्ट्रॉन है हुई तो वो भी चेंज इन होल के मुताबिक ही है, लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर जो है उसकी वैल्यू कम है तो जो आंसर है हमारा वो रीडेबल अमाउंट में आएगा, उसको हमें ज्यादा एम्पलीफाई, वो एक आप उसे कह सकते हो कि ज्यादा उसकी वैल्यू जो सी है वो अंडरस्टैंडेबल होगी और ज्यादा जस्टिफाइडेबल होगी ना, अगर एक वैल्यू आपके पास 0.02 आ रही है उसको पढ़ना आसान है, उसको कंपेयर करना आसान है, और अगर एक वैल्यू 0.00002 आ रही है तो उन वैल्यूज को कंपेयर करना आपस में बहुत मुश्किल होता जाएगा, फिर हम उसको यहाँ फिर उसमें हम अदर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, हम उनका लॉग लेके उनको कंपेयर कर सकते हैं, हम उनका रिवर्स लेके उनको कंपेयर कर सकते हैं, तो दीज आर द अदर, उसके बाद अदर साइंस आ जाती है उसमें से हम उसको कैसे, लेकिन यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी रिवर्स के केस में हमने क्या कहा कि रिवर्स के केस में हमने जब इसको रिवर्स किया है तो क्या हो गया है कि हमारे पास जो करंट का फ्लो है वो डेल्टा ई ओवर ई स्मॉल अमाउंट में आ गया है, जिसकी वजह से हम जो वैल्यू है वो ज्यादा आ गई है और उसको हम रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। okay, अगर अभी भी समझ नहीं आई ना तो फिर आप इसको जब एक दफा पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है मैम, इसकी करंट की वैल्यू लो होने की वजह ये नहीं होती कि इसमें डिप्लेशन लेयर जो है वो ज्यादा बड़ी हो जाती है रिवर्स। हाँ ये देखे ना, ये डिप्लेशन लेयर भी ये देखें, डिप्लेशन लेयर तो बड़ी हो गई, यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड में जॉन सा है वो छोटी है, उसके एरिया कम है, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर कवर हो जो है वो ग्रेटर हो गई, ये भी इसकी एक रीजन है, इसी को है ना कि आप इसको मैम जो मतलब की मैम इसकी कम अमाउंट होने की वजह ये तो है, मतलब करंट हम जो है माइक्रो एम्पीयर में भी हम इसे मतलब मिली माइक्रो एम्पीयर में भी इसे मतलब नोट कर रहे होते हैं रिवर्स में, और इसमें हम तकरीबन मिली में कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड में काफी फर्क आ जाता है। हां बिल्कुल वही वही वैल्यू। हां मैम जी जी एच ओवर एच मैम इसमें पता क्या, हां जी मैम इसमें पता क्या होता है, इसमें जो पॉजिटिव रीजन है ना वो नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच है, और इसका जो एंड रीजन है ना वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ अटैच है, जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में ना इसका कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हैं बैटरी की तरफ जाते हैं, यहाँ पे ऑपोजिट है, ऑपोजिट होगा तो करंट पास नहीं करेगा, जो मैन्यूर करंट है ना वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये डिप्लेशन रीजन बड़ा हो जाता है, वहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव में नेगेटिव कैरियर्स भी होंगे वो माइनॉरिटी होंगे, लेकिन नेगेटिव में पॉजिटिव कैरियर भी होंगे वो भी माइनॉरिटी में होंगे, और करंट जो है वो उन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से ना फ्लो करेगा। हाँ बिल्कुल, आपने इसको और मजीद जॉन सा वो डिटेल कर दिया, ये मेरा ख्याल है कि ये एफएससी की बुक में इसका पूरा एक टॉपिक है जिसमें ये सारी बातें जो आप लोग कह रहे हो ना कि डिप्लेशन लेयर ग्रेटर हो गई, तो वो इतनी डिटेल से मैंने उसको नहीं देखा है, और जिन बच्चों को नहीं पता वो एफएससी की वो बुक से वो चैप्टर जॉन्स है वो उसको टॉपिक को एक दफा पढ़ लोगे तो वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है मैम। वो आप डेल एच ओवर एच और डेल ई और ई वाला कंसेप्ट बता रहे हैं मैम, वो तो दोनों केसेस में मतलब सेम हो जाएगा, क्योंकि अगर रिवर्स में देखें तो जितने होल्स कवर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन से उतने ही दूसरी साइड से भी मतलब पॉजिटिव चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी अवेलेबल हो रहा है, डिप्लेशन रीजन दोनों लिहाज से इक्वली मैम कवर हो रहे हैं, वो कंसेप्ट तो वहां पे नहीं लगेगा। इसको आप कह रहे हो कि अगर हम फॉरवर्ड में करेंगे वहां पे भी ऐसे ही होगा, ये आप कहना चाह रहे हो मैम? फॉरवर्ड में उसकी वैल्यू जो है वो मतलब ग्रेटर होगी, लेकिन उसमें वो ऑटोमेटिकली कम होगी, क्योंकि होल्स अगर कम हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन दोनों ही कम हो रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे ये यही मैं कहना चाह रही हूँ कि वहाँ पे जॉन सा है, वहाँ पे ये जॉन सा है इन दी फॉरवर्ड जॉन सा है वो ये काम नहीं करेगा ना, जबकि इन दिस केस वो करेगा ये वाला फार्मूला।
ठीक है, चले आप लोग इसको पढ़े, फिर हम इसके मजीद पे एक मजीद डिस्कशन सेशन रखेंगे, ठीक है, जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ। ओके ओके मैम, चले ठीक है। अब इसके बाद हमारा सिर्फ जो है ना, एक तो ये वाला, इसको हम दोबारा आप में से जिस चीज को नहीं क्लियर होगा या जो भी, आप व्हाट्सएप भी मुझे कर लो, ठीक है। और सेकेंडली जो है वो चार्ज कैरियर डिवाइसेज है आपके डिटेक्टर, उसमें आपके सिलेबस में चार्ज कैरियर डिवाइसेज, तो उसको हम देख लेंगे और फिर हमारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। अब आपकी क्लास होगी टुमारो, ठीक है, 8:10 पे। ओके ओके मैम, सैटरडे ऑफ नहीं होगा? सैटरडे ऑफ करना है, सैटरडे संडे। अच्छा सैटरडे संडे, चलें फिर मंडे को 8:10 पे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू, चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। Love you. Okay, my love.